हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड का मराठी ग्रामर पढ़ाने जा रही हूँ। फर्स्ट चैप्टर है मूल अक्षर किंवा वर्णमाला, उसे क्या कहा जाता है? अल्फाबेट्स कहा जाता है। इंग्रजी भाषा ए टू जेड 80 लेटर आए। इंग्रजी जो भाषा है उसमें क्या है, ए टू जेड तक लेटर आते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। मराठी भाषेत ओ ते ज्ञ अशी मूळाक्षरे आहेत। मराठी जो भाषा है उसमें क्या आते हैं, होते ज्ञतक अक्षी मूळाक्षरे आते हैं। मराठी मूळाक्षरांना मराठी वर्णमाला असे म्हणतात। जो मराठी में मूळाक्षरे आते उसे मराठी वर्णमाला कहा जाता है। मराठी वर्णमाला मूळाक्षरे, अभी मराठी वर्णमाला मूळाक्षरे अपन देखेंगे। अक्षर चित्र शब्द पा वाचा, अक्षर दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं और शब्द दिए हैं, और ये क्या करना है, अपने को पढ़ना है। रिलेट एंड द लेटर पिक्चर एंड द वर्ड एंड द रीड। रिलेट एंड द लेटर पिक्चर एंड द वर्ड एंड द रीड। ओ से बनता है अनानास, अ से क्या बनता है, अनानास। उसे कहा जाता है पाइन एप्पल। आ से बनता है आई, आ से बनता है आई, उसे कहा जाता है मदर। ई से बनता है इमारत, उसे कहा जाता है बिल्डिंग। बड़ी ई से बनता है इडलिंबू, उसे कहा जाता है लेमन। ऊ से बनता है उकड़, उसे कहा जाता है स्टोन मोटर। बड़ा ऊ से बनता है ऊस, उसे कहा जाता है सुगर कैनी। ए से बनता है एक, उसे कहा जाता है वन। अम दिया है बी टी बैट दिया है, बैट मजे मराठी में उसे क्या कहा जाता है, फड़ी। इड़का ही दिया है आयरन, ये का आयरन एनविल कहा जाता है। ओ से वोट, उसे कहा जाता है लिप्स। आ दिया है बॉल, बॉल मजे चेंडू। औ से होता है औसत, उसे कहा जाता है मेडिकेंस। अम से होता है अंगठा, उसे कहा जाता है थम। और लास्ट में आता है आहा। क से बनता है कमर, उसे कहा जाता है लोटेस। ख से बनता है खटारा, उसे कहा जाता है बुलकरे। ग से बनता है गवत, उसे कहा जाता है ग्रास। घ से बनता है घर, उसे कहा जाता है हाउस। स से बनता है चमचा, उसे कहा जाता है स्पून। स से बनता है छतरी, उसे कहा जाता है अम्ब्रेला। ज से बनता है जहाज, उसे कहा जाता है सीप। ज से बनता है जरा, उसे कहा जाता है स्पेरिंग ऑफ वाटर। ट से बनता है तरबूज, उसे कहा जाता है मेलॉन। ढो से बनता है ढसा, उसे कहा जाता है स्टाम्प। ढो से बनता है डमरू, और काइंड ऑफ रैटल, उसे कहा जाता है काइंड ऑफ द रैटल बोला जाता है। ढो से बनता है ढग, उसे कहा जाता है क्लाउड्स। ढो से बनता है तलवार, उसे कहा जाता है स्लोअर। ढो से बनता है थवा, उसे कहा जाता है फ्लॉक ऑफ बर्ड। ढो से बनता है दरवाजा, उसे कहा जाता है डोर। ध से बनता है धनुष, उसे कहा जाता है ब्रो। प से होता है पतंग, उसे कहा जाता है क्वाइट। प से बनता है पनस, उसे कहा जाता है जैकफ्रूट। ब से बनता है बदक, उसे कहा जाता है डक। ब से बनता है भजन, उसे कहा जाता है हाइमन। म से बनता है मगर, उसे कहा जाता है कोकोडाइल। य से बनता है यज्ञ,
उसे शठपायस बोला जाता है। रो से बनते रवि उसे जो अनाज बोला जाता है चुनार। लो से बनता है लहसुन उसे कहा जाता है गार्लिस। वो से बनता है वजन उसे कहा जाता है वेट। स से बनता है समूह उसे कहा जाता है ऑस्टिस। स से बनता है षष्ठकोण उसे कहा जाता है हेक्सागन। स से बनता है सस्सा उसे कहा जाता है रॉबी। से होता है हत्ती उसे कहा जाता है एलिफेंट। स से होता है रुद्राक्ष उसे कहा जाता है रुद्राक्ष। ज्ञ से होता है ज्ञान उसे कहा जाता है नॉलेज। बच्चे लोग आज आप लोग वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। मराठी वर्णमाला, वर्ण म्हणजे अक्षर एंड लेटर। मराठी जो वर्णमाला है उसे है आप लोग क्या कहते हैं, वर्ण म्हणजे अक्षर कहा जाता है। अभी आप लोग स्वर पढ़ेंगे। ओवल्स उसे कहा जाता है स्वर। ओ आ ई बड़ी ओ रु ऐ एट ऐ वो औ अम आ। अभी बच्चे लोग आप क्या व्यंजन पढ़ाने वाली हो। व्यंजन है क ख ग घ ड च च ज ज त्र ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म ये र ल व स स स ह ळ श ज्ञ। ये क्या है, अपना व्यंजन है। आज का होमवर्क बच्चे लोग क्या है इसका, जो मैंने मराठी वर्णमाला पढ़ाई है उसका क्या है अभी वो एक्सेस है। वो एक्सेस मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेज देगी। और जिसने जिन बच्चों ने होमवर्क नहीं दिखाया है वो मेरे पर्सनली व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे को होमवर्क सेंड करो।